बैठे इधर देखो सर, थोड़ा अंदर आ जाओ, थोड़ा अंदर आ जाओ, बैट बॉल दो सर के हाथ में और दो कदम अंदर आ जाओ। बहुत बढ़िया है बेटा। शायद कुछ है अपने लड़की के साथ खेलना चाहते हैं। खासी साहब खेले वाले हमारे साथ क्या बात है वाह 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 तो इस तरह से हमने देखा कि मानवीय नई एकेडमी खुलने जा रही है, जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ है। हमारे प्रमुख यहाँ पर आए माननीय अवकाश कुमार राम गरियाल और उनके साथ मुंडू कुलकर्णी सर, रतन साड़ेगा राशोक और सुशील कोपरे, रईस पटेल का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। आने से स्वागत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जोहर क्रिकेट एकेडमी ये जो है हम सभी जानते हैं कि ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नवे खिलाड़ी यहाँ पर नौजवान बच्चे हैं, इनसे इनको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। और मैंने पहले कहा था कि दो एकेडमी यहाँ पर हमें लाना सरकार करेंगे। और मैं तो ये दो लड़के बहुत नाम के लिए नाम कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि इनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी वजह से नाम कर रहे हैं। मैं शायद भाई जो कि टीपू और शाहरुख के वालिद हैं, शायद भाई मैं उन्हें कहता हूँ खाजी साहब है, तो मैं विनती करता हूँ अमर लाला से कि शायद भाई का सत्कार करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे बुलावे पर यहाँ पर आप सब लोग यहाँ पर आए। इतने सीनियर प्लेयर और जो नए नए जो यहाँ पे नांदेड़ में क्लब चालू हुए उसके भी जो ऑनर यहाँ पर आए हैं हमारे बोलने पर, किसी का अगर सत्कार रह गया होगा तो मैं अपनी तरफ से हमारी एकेडमी की तरफ से पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। और ये नई एकेडमी स्टार्ट करने का मकसद यही है कि एकेडमी की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि हम नए प्लेयर्स को जो गत वैभव है नांदेड़ का वो प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेल रहे हैं और आज नांदेड़ में, पहले आज से 15 साल पहले जब नांदेड़ के क्रिकेट का नाम आता था तो मराठवाड़े में नांदेड़ का क्रिकेट एक या दो नंबर पर रहता था। आज ये अफसोस की बात है कि बहुत नीचे लेवल चले गए, 8 जिले आते हैं मराठवाड़े में, अपन पीछे से आ रहे हैं अब एक दो नंबर पर। इसके ताल्लुक से यहाँ पर सीनियर लोग भी हैं, वो लोगों ने कैसा क्रिकेट खेला है वो भी आपको मार्गदर्शन करेंगे इसके बाद। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा एकेडमी के बारे में कि इस एकेडमी में पहले यहाँ पर मोइन सर की भी एकेडमी चलती है, भी फ्री है, हम तुझे कॉल करेंगे कि तू अपना आके अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बच्चों से शेयर करे ताकि वो भाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये इतना अच्छा, इतना जबरदस्त इंसान है, शख्सियत इतनी अच्छी है, हर एकेडमी में जाकर हर लड़कों को मोटिवेट करता है, अपने तरफ से बढ़ाता है। तो मैं ना देना चाहूंगा सुनील ज्यादा और जोरदार ताले से, नहीं सर से मैं विनती करता हूँ सुनील ज्यादा का सत्कार करें। नांदेड़ का क्रिकेट जैसा कि अगर ने बताया कि ये नांदेड़ के हद तक नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जाए और यहाँ से बहुत सारे लड़के निकले, जैसा कि सुनील यादव है, आदिश हंसु जमा है। तो मैं बहुत कम समय में हमारे प्रमुख अतिथि से कुछ मशवरा चाहूँगा। सबसे पहले मैं नांदेड़ क्रिकेट एसोसिएशन के नंदू गुलकर्णी से विनती करता हूँ कि एकेडमी के बारे में कुछ बताएं। आज के क्या फोटो लिखा ली, कोर्ट देना शुरू किया है, तो इसका मतलब उनकी कोचिंग चालू है। हर तरफ से अपन ऐसा कोशिश कर रहे हैं
किया अभी इसके आगे जो खिलाड़ी नांदेड़ का है वो महाराष्ट्र खेले और वो सामने अपना काजी का जो है सामने आपके काजी महाराष्ट्र खेल रहा है उसका उदाहरण आपको सामने रखते हुए अपन भी मेहनत करने को ना खाली हमेशा हम नंदूसर से चाहते हैं कि वो हमेशा अपना योगदान देते रहे यहाँ पर और देते रहे और हमको तो इनसे और ज्यादा उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर प्रोत्साहन करें और हर प्रोग्राम में आते रहे हर मैचेस लेते रहे खासतौर पर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशन की तरफ से जूनियर बच्चों का 46 थे और मैं यहाँ पर हमारे बीच जो लड़के 10 साल 12 साल 14 साल के यहाँ पर क्रिकेट खेलने आ रहे हैं वाकई कुछ सीखना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो आइए फिर वक्त गुजारी के लिए और वक्त ख़राब करने के लिए माँ बाप का पैसा खराब करने के लिए मत आइए ठीक है अगर आप बदकिस्मती के आप कुछ ना बन सकें तब भी आपकी सेहत आपकी पर्सनालिटी सारी जिंदगी ता उम्र 60-70 साल 80 साल की भी आप नजर आएंगे तब भी आपको देखकर हर कोई ये कहेगा कि ये स्पोर्ट्समैन था या स्पोर्ट्समैन है मेरा कहना इतना ही है और यहाँ के जिम्मेदारों से भी कि आप हर बच्चे पर पूरी तवज्जो दीजिए हर बच्चे को ये समझाइए कि ये बुलारी का जरिया नहीं है यहाँ पर ग्राउंड पर आना कुछ टाइम पास करने के लिए मत आइए और आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है पसंद है कि जिस दिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख रहा था पाकिस्तान जा रहा था वो उसने जाकर अपने कोच के घर पर उसके पैर पड़े और उसकी दुआएं दी और वही सचिन तेंदुलकर 21 साल 22 साल 24 साल बाद जब क्रिकेट से रिटायर हुआ और अपनी आखिरी इनिंग खेल कर भी जब जा रहा था तब भी उसने जाकर अपने कोच के पैर पड़े और उसे सम्मान दिया ये होता है खेल से बड़ा नहीं होता आदमी मेहनत से भी बड़ा होता होता तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी प्लेयर को अपना आइडियल बनाइए और अपने कोचेस का एहतराम कीजिए ध्यान देने वाली बात है गौर करने वाले सामने जो भी ये सिंगल खिलाड़ी देख रहे हैं इसका कारण ये है कि उनकी फिटनेस ये फिटनेस की वजह से आज हमारे सामने हमारा रहते हैं बहुत अच्छी बात मंत्री सर ने बताया कि जब तक फिटनेस ना हो इंसान स्पोर्ट्स में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता आपकी फिटनेस अच्छी होना बहुत जरूरी है चाहे आप किसी भी क्रिकेट खेलना से जरूरी है आप किसी भी स्पोर्ट्स में रहो और मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर जो भी सुने उनके ये तो स्पोर्ट्स में है ये तो अपने लड़कों को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जरूर डाल देंगे कि आप अपने घर में किसी भी अपने घर में छोटे बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर डालें ताकि फिटनेस अच्छी रहती है खास बात है कि छोटे बच्चे बेकार शौक करने से बच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात मंजू सर ने बताया यहाँ पर हमेशा इनका सपोर्ट रहता है मेरी भी खुद की एकेडमी चलती थी मोइन क्रिकेट एकेडमी एनसीए के नाम से तो आज़ार और ये हंसुदमा काजी आज बताए हुए चल रही है इसमें और लोग मिल जाएंगे तो हमको अच्छे पैमाने पर अपना और काम होगा और बच्चों को अच्छा खेलने मिलेगा तो उनकी बात तो ये कर रखकर हमने इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर एनसीए को भी इसके अंदर मर्ज किया और जौहर एकेडमी के नाम से कर क्योंकि जौहर का उन्होंने बताया कि तुम्हारा ही नाम दिया वाला है ये टीम को इसलिए ये नाम पे अपन चालू इसलिए हमने इसमें आगे बढ़े हैं क्योंकि एक से भले दो जैसा बोलते हाथ बटाते हैं तो और काम अच्छा होता है कारवां आगे बढ़ता है उसी पैमाने पर हम एक साथ हो गए हैं सब और इंशाल्लाह अच्छे पैमाने पर करेंगे और हमने कोचिंग के लिए जो साहित्य सामान लगता था वो सब कुछ लाया है सिर्फ एक चीज़ है टर्फ की कमी जैसे स्टेडियम में हमको परमिशन मिलता है वो भी कमी पूरी हो जाएगी बाकी हर चीज़ हमने मुहैया की है अभी तक देते थे कुछ कमी थी उसमें जो कोचिंग के लिए सामान चाहिए था वो सामान नहीं था अभी सब ला लिए हमने जो भी कोचिंग के लिए सामान लगता है पूरी चीज़ें मुहैया कर दी और इंशाल्लाह अच्छे पैमाने पर करेंगे और अभी जो अंडर 16 की टीम निकली है हमारे पास से इंशाल्लाह 6 मेंबर सेलेक्ट हुए हैं 6 बच्चे सेलेक्ट हुए नांदेड़ की टीम ये एक हमारे लिए एक अचीवमेंट है क्योंकि जौहर और मोइन ये नाम एक साथ जुड़े हुए हैं पहले भी मोइन जौहर में था और अभी भी जौहर में है और एमसीए को जौहर में मर्ज करें तो ये एक ही है सब मिलके और जो ट्विपी को गया था वो हमारे पास से गया था जौहर से ही गया था उसको भी हमने उसको